आज जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की 151वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के पाली जिले में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। इस दौरान क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने और क्या खासियत है इस प्रतिमा की, देखिए इस रिपोर्ट में। आज जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया और अपने संदेश में इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा पूरे विश्व को मानवता, शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास आप देखें तो आप महसूस करेंगे, जब भी भारत को आंतरिक प्रकाश की जरूरत हुई है, संत परंपरा से कोई न कोई सूर्य उदय हुआ है। कोई न कोई बड़ा संत हर कालखंड में हमारे देश में रहा है, जिसने उस कालखंड को देखते हुए समाज को दिशा दी है। आचार्य विजय वल्लभ जी ऐसे ही संत थे। संतों से अपील करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी में मैं आचार्यों, संतों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आज़ादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम संतों, आचार्यों, महंतों का है। आपको बता दें कि ये प्रतिमा 151 इंच ऊंची अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बनाई गई है और इस प्रतिमा में तांबा प्रमुख घटक है, जिसे राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जयतपुरा में स्थापित किया जा रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।